इलेक्ट्रोस्टैटिक की उसका टॉपिक आपके पास आज होने जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास आज होने जा रहा है। यह वीडियो पूरी आप देखें, स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो चार्ज आपके पास है, दो चार्ज आपके पास कैसे बच्चों, जैसे आपके पास एक चार्ज मैंने मान लिया क्या हो और एक चार्ज मैंने मान लिया इस साइड क्या हो, बट वो आपके पास क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड के होने चाहिए और इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए उनका, उसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। एक आपके मैंने मान लिया पॉजिटिव और एक मैंने मान लिया नेगेटिव और इनके जो बीच के डिस्टेंस सेपरेशन है वो मैंने मान लिया आपके पास 2L से नोटेशन दे दी, इनके बीच के सेपरेशन उसे क्या कहते हैं, उसे आपके पास जो सिस्टम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। बट आपके पास यहाँ पे टॉपिक होने जा रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपके पास क्या होता है, उस केस का आपके पास एक्सियल पोजीशन का आपके पास कर लें। तो एक्सियल पोजीशन का केस लेके चलेंगे आज, एक्सियल पोजीशन का। तो आपके पास दो तो सेम एज इट इज है और आपने क्या करना है, इनमें आपने करना है बीच में, जैसे आपके पास यहाँ पे इनका मिड पॉइंट है क्योंकि टोटल आपके पास 2L है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक L, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी L, और मैं मान ले तो आपके पास कोई पॉइंट है भाई, यहाँ पे मैंने मान लिया कोई पॉइंट P है और इसके कारण आपके पास इस साइड A1 की डायरेक्शन है और इस साइड आपके पास A2 की डायरेक्शन। इसको करने से पहले आप क्या देखें, आपके पास माइंड में होने चाहिए आपके पास E, जो आपके पास रिजल्ट था E इज इक्वल टू, ये रिजल्ट ध्यान होना चाहिए कौन सा, E इज इक्वल टू 1/4πε0, कौन सा रिजल्ट बच्चों, मैंने इससे पिछले बार करवाया था आपके पास क्या हो पाई आर स्क्वायर, ये माइंड में होना चाहिए आपको। और क्या माइंड में होना चाहिए आपको, आपके पास ये ध्यान होना चाहिए आपके पास वेक्टर अलजेब्रा का रूल कैसे लगाते हैं, एलजेब्रा, ये दो चीज ध्यान रखना चाहिए, पूरा आपके पास सारा निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं आपके पास यहाँ इस पॉइंट को आपने इससे आगे कैसे लिखना है। तो आप देखें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास ये पॉइंट ले रहे हो आप पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और एक क्या है माइनस है। तो सबसे पहले लेके चलेंगे ड्यू टू प्लस क्या हो, चार्ज के कारण कितना हो रहा है, तो उस केस का आपके पास मैं वैल्यू लिख रहा हूं इसके बराबर में। तो आपके पास इसके कारण प्लस के कारण क्या हो रहा है, ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, प्लस वाला है आपके पास E1 है, तो E1 बच्चों आपके पास यहाँ से 1/4πε0। अब बात कर रहे हैं बच्चों आपके पास इंपोर्टेंट पॉइंट है यहां से लेके, अब मैं जो पी पॉइंट आपके पास यहां तक की दूरी को क्या मान लेता हूं, आपके पास ये दूरी को मैंने मान लिया आर और ये आपके पास एल और ये आपके पास बच्चों एल आपके पास। अब बहुत ही आपके पास ये वाली इक्वेशन यूज हो रही है यहाँ पे क्या हो भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, E1 आपके पास हो रहा है तो आपके पास आर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, इसको नाम दे दिया इक्वेशन संख्या एक नाम दे दी। अब बात करें आपके पास सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्या हो चार्ज, भाई आपके पास माइनस है क्या हो चार्ज के अकॉर्डिंग क्या होगी, तो E2 इज इक्वल टू 1/4
फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू पाई आर प्लस में एल का स्क्वायर, इसको नाम दे दिया इक्वेशन संख्या दो, नाम दे दी इसको। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, आपके माइंड में ये होना चाहिए आपके पास अगला स्टेप है, तो आपके पास ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, उसमें क्या करना है आपने, उसके अंदर क्या करना है, ओनली ई माइनस में ई वन माइनस में ई टू करना है। ई वन की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास, पुट करो यहाँ पे क्यू बाई आर माइनस एल का स्क्वायर आवर में, ये आपके पास माइनस वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस में एल का स्क्वायर। उससे अगले बार स्टेप क्या करना है, मैथमेटिकल की यूज करके ये वाली इक्वेशन देखो, यहाँ से आपके पास क्या हो रही है, कॉमन हो रही है, कॉमन को मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों बाहर निकाल रहा हूँ, तो बाहर मैंने निकाल दिया, क्या मेरे पास है, क्या आपके पास यहाँ पे ऊपर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो आपके पास अंदर बच गई, वो अंदर वाली टर्म आपके पास क्या बच गई आपके पास है, वन बाई आर माइनस में एल का स्क्वायर माइनस में वन बाई आर प्लस में एल का स्क्वायर। नीचे आपके पास एलसीएम लो, इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगी, एलसीएम लेने के बाद बच्चों आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा वो देखें, क्या हो भाई फोर पाई एप्सिलॉन। अब इसका होल स्क्वायर आपने खोलना आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में टू ए बी होल प्लस वाला जो आपके पास आ जाए, तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी आपके पास होता है। तो यहाँ पे आपके पास ए लगाने के बाद में ओनली ऊपर आपके पास क्या बच जाएगा फोर आर एल, और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर, क्योंकि आपके पास ये r माइनस एल का ये स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर नहीं है, और आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपके पास ये बच गया, जब आपने क्या लिया एलसीएम लिया। अब हम बात करें आपके पास फोर ये है ऊपर वाला, इसको मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ आपके पास, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ बच्चों टू इंटू टू में लिख सकता हूँ इसको, तो मैं इसको टू इंटू टू में लिख रहा हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से, क्या वो आपके पास है ही पहले, तो क्या वो मैंने पहले लिख दिया आपके पास, और किसकी बात आती है भाई, इसको टू आर में इसको टू आर लिख दिया, और बात करें बच्चों आपके पास ये टू एल लिख दिया, क्योंकि आपके पास ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम है, आपके पास आर स्क्वेयर माइनस में एल स्क्वेयर का क्या हो गया होल स्क्वेयर हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों आपके पास एक बात आती है, इस चीज को आप क्या लिख देते हैं, तो क्या वो है और जो टू एल है इसकी नोटेशन आपके पास क्या आती है बच्चों, पी आती है नाम पी, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूं आपके पास पी आवर में फोर बाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब आपके पास एक बात और आती है, यहाँ आप ध्यान रखना आपके पास ये तो आपके पास ये केस आया है, अब आपने माइंड में ओनली एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपने क्या करना है, जब आपके पास केस है देन जब आपके पास केस आए तो आर की वैल्यू है वो आपके पास बहुत ज्यादा बड़ी है, किससे एल से, जो आपके पास ये एल की वैल्यू क्या होगी, सो एल वैल्यू विल बी नेगलेटेड होगी, तो आपके पास ये फॉर्म क्या आ गई, ये वैल्यू नेगलेट होगी तो आपके पास क्या बच गया आ गई टू आर पी आवर में आपके पास है फोर पाई एप्सिलॉन ये आर का स्क्वायर तो पहले ही है और ये स्क्वायर आपके पास ही हो जाएगी, ये टर्म क्या होगी नेगलेट होगी। अब आपके पास ये कितनी होगी, आपके पास है टू आर पी आवर में फोर पाई एप्सिलॉन आर की पावर फोर और ऊपर आर आपके पास है ही, इस वाले फॉर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ आपके पास फोर पाई एप्सिलॉन आर की पावर क्यूब, और ये बच्चों ये रिजल्ट आपके पास किसका था, ये रिजल्ट आपके पास एक्सियल पोजीशन का था, बट आपके पास ये किस केस का था, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले जो आपके पास डेरिवेशन है उस केस का, हमने मात्र आपके पास